What's up guys, Ron is here and welcome back to my channel Ron Gaming. So we are playing Pokemon right now, so let's jump right into it guys. Background music भी start करते हैं, मस्त वाले music बजते रहेंगे background में. Okay. Pokemon में guys पिछली बार हमने बहुत ही ढेर सारी जगह explore की थी, नया town ढूंढा था, बहुत ही मस्त town दिख रहा था वो mushroom वाला पूरा. लाइट बहुत ही मस्त था वहाँ पे, और वहाँ से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे. अभी ये जगह पे रूट 8 पे पहुँच चुके गाइस, और रूट 8 पे आगे बढ़ के हमें यहाँ पर पहुँचना है, सिल्चेस्टर सिटी में जाना है हमें. वहाँ पे मुझे लग रहा है आइस वाले पॉकीमोन देखने मिलेंगे, ढेर सारे नए नए पॉकीमोन देखने मिलेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा, और नए पॉकीमोन पकड़ने भी मिलेंगे. ट्राई करेंगे और भी ढेर सारे नए पॉकीमोन पकड़े हम लोग. और हमारे पास 5 जिम बैचेस हो चुके हैं, 3 और जिम बैच जितने बाकी है गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज. और हमारे पास भी अभी बहुत ही मस्त पोकेमोन बहुत ही हाई लेवल के हो चुके हैं सारे. पिकाचू बेचारा भी फेंट है, जो पिछली बार हम फाइट करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे तो हमारे पिकाचू एंड मोरपिक को दोनों फेंट हो गए थे. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और भी एक्सप्लोरेशन करना बाकी है. नई जगह है बहुत ही, देखो यहाँ पे नए पोकेमोन देखने ऑलरेडी एक दिख रहा है वहाँ पे नया पोकेमोन. ओ हम ट्राई करेंगे एक दो पोकेमोन यहाँ से पकड़ के जाए हाई लेवल के, अगर अच्छे वाले मिले तो. वैसे तो मैं अपने पास जो हमारे पास पोकेमोन है वही रखना चाहता हूँ. ये कैसे पीछे आ रहा है उड़ते हुए. चलो फाइट करते हैं, देखते हैं कौन से लेवल का है. टन 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 टन, वाइल्ड रिफेलेट कॉसिन रेस. टन 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 टन, 39 लेवल. ये हमारे सारे अटैक बहुत इफेक्टिव होंगे इसके ऊपर. नाइस, शायद हम इसको पकड़ पाएंगे अगर नेक्स्ट अटैक भी इतना ही डैमेज हुआ. ओ ये क्या किया, ये क्या किया उसने, पता नहीं कुछ अटैक किया अजीब सा. ओए होए स्केरी फेस, डराने की कोशिश. हमारे सिंड्रेस को डराते हो, येलो धुलाई खाओ धुलाई. ओ नो, ज़्यादा हेल्थ नहीं है. चलो पॉकेबॉल फेंकते, ट्राई करते पकड़ने का इसको. ग्रेट बॉल गो कैचेबॉल. एंड नाइस, पकड़ लिया. हो आते ही एक पॉकेबॉल पकड़ा गया, बहुत ही बढ़िया कच्चा. न्यू पॉकेमोन कौन से टाइप का है वो देखते हैं. फ्लाइंग नॉर्मल, नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, फ्लाइंग है. हमारे पास ऑलरेडी फ्लाइंग वगैरह तो है, तो इसको बॉक्स में भेज देते हैं. ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं लग रहा है ये. यहाँ पे जा सकती, अरे ये कौन सा पोकेमोन है रे, ऐसा लग रहा है हाथ में चाकू लेके घूम रहा है पोकेमोन. 41 लेवल का है. फोर्निड, ऑनिड सुपर इफेक्टिव फायर प्लेज अटैक. ओहो नाइस, सुपर इफेक्टिव था ये. इसको पकड़ना था लेकिन पूरा फेंटी हो गया ये तो एक ही अटैक में. ये बॉल लेने के लिए कहाँ से जाते हैं. ओए ये कौन सा पोकेमोन है, इसको पकड़ते हैं. गोलेट, गोलेट न्यू पोकेमोन 40 लेवल. हमारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, कौन सा अटैक ज़्यादा पावरफुल होगा. स्विफ्ट अटैक करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हेल्थ कम करने की कोशिश करते हैं ताकि फेंट ना हो जाए. ओए होए हमारा अटैक फेल हो गया. वाह इसने तो शील्ड बना लिया, उसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया गाइस, और हमारा अटैक फेल कैसे हो गया, स्विफ्ट अटैक फेल हो गया वो भी. सीरियसली उसके ऊपर कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है स्विफ्ट अटैक का. वाह कोई ना, हमारा भी हमारे ऊपर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं है उसके अटैक का, और हमारा स्विफ्ट अटैक जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी अटैक मतलब वो काम नहीं करता है. फायर प्लेज अटैक करते हैं फिर. ये थोड़ा इफेक्टिव है नाइस, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम अगर वही अटैक यूज़ किया हमने तो ये फेंट हो जाएगा, इसको पकड़ नहीं पाएंगे.
क्या करे क्या करे, हेड बट ही ट्राई करते, शायद हेड बट से ज्यादा डैमेज ना हो, फेंट हो गया तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। सीरियसली हमारा अटैक फिर से फेल हो गया क्या? ओ चलो, उसका अटैक भी ज्यादा पावरफुल नहीं है इसलिए अच्छी बात है, हमारे ऊपर इफेक्टिव नहीं है ज्यादा। ये फिर से हेड बट ट्राई करते हैं, कज हेड बट, वाओ नॉट इफ, अरे हमारे दो अटैक इफेक्टिव ही नहीं उसके ऊपर, खतरनाक पोकेमोन है। जो दूसरे दो अटैक है अगर वो यूज किए हमने तो वो फिर पेंट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पोकेमोन चेंज करके कोई इजी वाला जो अटैक है वो उसके ऊपर यूज करता हूँ, ताकि थोड़ी सी हेल्थ और कम हो जाए, उसकी एचपी कम हो जाए और फिर हम उसको पकड़ पाए। ये पोकेमोन मुझे चाहिए, मुझे दिखने पे बहुत मस्त लग रहा है ये वाला। ये स्टन फिक्स पे थोड़ा ज्यादा पावरफुल इफेक्टिव है वो अटैक। कौन सा अटैक यूज करे जिससे ये फेंट ना हो जाए? मडी वाटर यूज करूंगा अगर फेंट हो गया तो। चलो ट्राई करते हैं, हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है अभी तो। अरे फेंट हो गया है वो, डाई। ओ नो, मुझे पकड़ना था इस पोकेमोन को, बिना हमें दूसरा मौका भी मिलेगा, एक और भी आएंगे ऐसे पोकेमोन। ये क्या, तो क्या बक क्या आ रहा है ऐसे? डराओ मत, ओए 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 पीछे बताओ, मेरे पास खाना नहीं है, खाना नहीं है मेरे पास। ओ डॉक्टर यहाँ पे वेट करिए, हमारे प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या नाम है, फाइट करने के लिए रेडी। डॉक्टर जोना, ओ अरे ये रोजेला तो मस्त पोकेमोन है, मुझे ये पकड़ना था बहुत पहले लेकिन हम पकड़ ही नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास उतना लेवल नहीं था, बैचेस नहीं थे, तो बहुत हाई लेवल का था रोजेला जो हम पकड़ नहीं पाए थे। और हमारे पोकेमोन के सामने रोजेला भी बहुत ही कमज़ोर है क्योंकि हमारे पास है फायर टाइप पोकेमोन जो कि ग्रास टाइप पोकेमोन के सामने बहुत इफेक्टिव है, रोजेला भी कुछ नहीं कर पाएगी। देखा बोला था डॉक्टर बहुत पढ़ पढ़ के पागल होगी, लेकिन पोकेमोन कौन सा यूज करना चाहिए वो नहीं पता। स्विच योर पोकेमोन, नो हम यही पोकेमोन से फाइट करेंगे। हेट्रेम, ये सारे अटैक सेम इफेक्टिव लग रहे हैं। स्विफ्ट अटैक, ओ नाइस, लेकिन ज्यादा है, एचपी कम नहीं हुआ। टिन 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 टिन, इस बार फायर वाला अटैक करते हैं, फायर प्लेज अटैक, नाइस। ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था, ये क्या किया, नहीं एचपी बढ़ाई क्या उसने, नहीं अटैक बढ़ाया उसने, स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस बढ़ाया उसने अपना, मैं सोचा हील किया उसने। कोई ना, इतना में तो अभी एचपी थोड़ा सा ही बचा है, एक अटैक में गया, नाइस। आज एक और गाइस, आज ट्राई करेंगे कि एक और जिम लीडर से फाइट करके एक और बैच हासिल करें, या फिर दो बैच लेने की कोशिश करेंगे आप, तो फिर बचेगा एक और बैच और फिर लियोन से फाइट होने होगी अगर सारे बैच हमें मिल गए तो। ओए होए फिर से आ गया, नॉइस नॉइस, इस बार तो पकड़ के रहूंगा, इस बार तो नहीं जाने दूंगा। गुलेट गुलेट, पूरी कोशिश करते हैं इस बार पकड़ने की, फेंट ना हो जाए बस। 41 लेवल का एक हाई, एक लेवल और भी हाई वाला मिला है हमें। कौन सा अटैक यूज करे, ये दोनों अटैक तो काम नहीं कर रहे, फायर प्लेज यूज करेंगे और अगर ये फेंट हो गया तो। चलो ट्राई करते, पिछली बार ये वाला किया था, आधी एचपी की थी शायद हमने, नाइस काफी बढ़िया। डिफेंस फेल, हमारा डिफेंस भी डाउन कर देता है ये वाला अटैक,
काम करता हूँ अभी, इसके ऊपर अटैक नहीं करता, अभी सीधा पॉकेबॉल यूज करता हूँ। ग्रेट बॉल गो कैच एम ऑल, तो सारे पॉकेबॉल पकड़ेंगे। नाइस, इजी, पहले ही बॉल में पकड़ लिया हमने, बहुत ही बढ़िया। जी जी मजा आ गया, एक और नया पॉकेबॉल पकड़ लिया हमने। देखते कौन से टाइप का पॉकेबॉल है और क्या क्या। वो ग्राउंड एंड घोस्ट टाइप पोकेमोन है, वाव नाइस। हम इसको किसकी जगह पे रखेंगे, लेकिन मुझे ये वाला पोकेमोन साथ में रखना है। कौन सा पोकेमोन हटाए मुझे वही समझ में नहीं आता। मोर पेको भी बहुत ही मस्त पोकेमोन है, जो कि अभी भी हमने पकड़ा था। बताओ गाइस क्या करे, पोकेमोन वो वाला मुझे रखना भी है, लेकिन इसमें से कोई और पोकेमोन हटाना भी नहीं है, क्योंकि सारे पोकेमोन बहुत ही मस्त है हमारे पास। ये हम कब से एक ही पोकेमोन यूज कर रहे हैं सारे, तो मोर पेक को जो है वो अभी अभी पकड़ा है, तो वो अभी के लिए रखते हैं। और स्टन फिक्स जो है वो हमारे पास कब से है, तो उसके जगह पर इसको रिप्लेस करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में वापस ला भी पाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास ही रहता है बॉक्स में, हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। ओए 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 चूहू, ओए तो चूहे जैसा पोकेमोन है मस्त। ये क्या मिला, साइनी स्टोन। अब प्रीवियस स्टोन दैट कैन मेक सर्टेन स्पेसिफिक पोकेमोन इवॉल्व, नाइस। यहाँ पे क्या घूम रहा है, भागो 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 भागो। ओ, कुछ चमका यहाँ पर, डिफेंस। ओ शायद ये रास्ता आगे की तरफ जाता है पूरा। ओ फिर तो हम पीछे वाला जो रास्ता है वो एक्सप्लोर करके आते हैं वापस। अच्छा यहाँ पे सिर्फ साइन देखने के लिए आना है। ट्रेनर टिप्स, चेकिंग आउट ग्लोइंग पोकेमोन डेंस इन द वाइल्ड एरिया विल हेल्प यू स्टोर अप वॉट्स। या वो तो मुझे पता ही है, ये चीज़ तो पता ही है हमें। वाह, ऐसे यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। अरे अच्छा, ये पोकेमोन फिर से आ गया, तो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये वाला छूट गया था पिछली बार। और मोर पेको को हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। स्पार्क अटैक, ओ नाइस। Scary face, डराता है हमारे पोकेमोन को, डिफेंस डाउन कर दिया। वाह, हमारे पोकेमोन को डरा के ओ गुस्सा हो गया हमारा पोकेमोन। ओके, लेकिन हम अभी ज़्यादा ज़ोर से उसको नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर से उसको लग गई तो वो फेंट हो जाएगा, मुझे पकड़ना है। नॉट वेरी इफेक्टिव, ये वाला अटैक ट्राई करते इस बार। अरे ओह, खतरनाक डैमेज दिया। बाइट अटैक, नाइस। बस ऐसे धीरे धीरे उसकी एचपी कम करेंगे तो वो फेंट नहीं होगा और हमें पकड़ने का मौका भी मिलेगा। एक और बार बाइट अटैक, थोड़ा और एचपी कम करते हैं। ये खतरनाक डैमेज दे रहा है, क्रिटिकल हिट वो भी। नाइस, परफेक्ट। अभी हम पोकेबॉल फेंकते हैं। ये फिर से गुस्सा हो गया। हम इस बार पोकेबॉल पकड़ के उसको कैच करते हैं। चलो गो पोकेबॉल, कैच हिम। अरे पोकेबॉल तोड़ दिया, नॉर्मल पोकेबॉल तो काम ही नहीं लग रहे इनके सामने। ये हमारा पोकेबॉल तो बार बार रूप चेंज कर रहा है। फिर से पोकेबॉल गो, ओके नाइस, पकड़ लिया। यस, आज तो हम ढेर सारे पोकेबॉल पकड़ेंगे गाइस, जितने भी आए सारे ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं पकड़ने का, कलेक्शन में ऐड करेंगे बहुत सारे पोकेमोन आज। ये स्टील एंड डार्क टाइप पोकेमोन है, नाइस, अच्छा लग रहा है मुझे। स्टील एंड डार्क, इसको हम पिकाचु की जगह पे ऐड करते हैं। मैं अपने सारे पोकेमोन चेंज करके नए पोकेमोन यूज करना चाहता हूँ इस बार आज। ओए होए, वो भी एक रेड पोकेमोन लग रहा है कोई, बहुत ही अजीब पोकेमोन लग रहा है।
बल्ड्रोड ऐसे कुछ नाम था। अरे इसका एचपी बेचारे का कम है हमारे पॉकेबोर्ड का। दिन 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 गोलेट, उसको यूज करते गोलेट को। नाइश रॉक ब्लास्ट ये ज्यादा। अरे कितनी बार मारोगे पत्थर, कौन मार रहा है? आयरन डिफेंस, मेगा पंच, शेडो बॉल, हैवी स्लैम। हैवी स्लैम ट्राई करते, हैवी स्लैम अटैक। नाइस, पर ज्यादा इफेक्टिव। अच्छा इफेक्टिव था लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं हुआ क्योंकि वो भी बहुत ही मजबूत पोकेमोन है सामने। रॉक ब्लास्ट, अरे फिर से पत्थर मार रहा है। रे पत्थर मत मारो। शेडो बॉल अटैक, अरे इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया। मुझे लग रहा है दोनों आमने सामने सेम टाइप पोकेमोन है ऑलमोस्ट। ओ नाइस, अच्छा डैमेज किया थोड़ा। मेगा पंच, सारे अटैक ट्राई करते एक एक करके, तो डिफेंस बढ़ाते ही जा रहा है। मेगा पंच है, कुछ भी नहीं हुआ। वाओ, पर उसका आर्मर थोड़ा सा मैंने वीक किया। ये मेगा पंच तो बेकार था, डिफेंस तो हम अपना डिफेंस बढ़ा सकते हैं लेकिन हम हैवी स्लैम यूज करेंगे फिर से। नहीं नहीं, ओ बच गया। नाइस हैवी स्लैम, जल्दी फिर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं अगर एचपी बचा तो। अरे अभी भी काफी सारा एचपी बचा हुआ है उसका। चलो कोई ना, हम पक्के बॉल फेंकते हैं, ट्राई करते हैं पकड़, अगर पकड़ पाए तो। गो पके बॉल, कैच एम ऑल। अरे ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। ओ नो, हमारा पोकेमोन गया, बेचारा फेंट हो गया। कोई ना, वापस आओ गोलेट। सिंड्रेस गो, तो पकड़ के रहेंगे। ऑलमोस्ट पकड़ में आ गया था, ऑलमोस्ट। चलो एक और पोकेबॉल फेंकते। अरे क्यों, वाव है चिपक गया। ओए सीरियसली, हमारा शायद एक पोकेमोन जो हमने पकड़ा था वो नहीं आया होगा हमारे पास। ओ नो, और गेलोट वाला पोकेमोन चला गया। अरे क्यों, नहीं हमने जो पोकेमोन पकड़ा था वो नहीं मिला वे। सीरियसली, अरे ओ नो, हमारी प्रोग्रेस लॉस्ट हो गई। चलो कोई ना, देखते हैं फिर से पकड़ेंगे अगर आए तो। ओयो, ये क्या पोकेमोन है, स्नेकू गैंग है या तो? स्नेकू गैंग कही गया है, रुको कौन सा अटैक है, स्पार्क अटैक। इसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा लेकिन स्पार्क अटैक। ओ नो, नहीं हमारा अटैक इफेक्टिव नहीं था। बाइट अटैक, सांप को ही हम डसने जा रहे। स्नेकू गैंग को डस लिया हमने। अरे क्या मार रहा है, तो खतरनाक है। टॉर्मेंट, अरे उसको गुस्सा दिला दिया हमने तो। अरे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। इसके पास तो दो ही अटैक है काम के, मुझे ये पोकेमोन अच्छा नहीं लगा, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा अभी। क्या गोलेट है क्या हमारी इन्वेंटरी में, मैंने देखा नहीं ध्यान से फिर तो। वो कहाँ चला गया,
अच्छा जमीन में चला गया, मुझे अभी क्या करना है? फ्लेटर नीचे से अटैक करने आएगा अभी। ओरे सुपर अटैक किया इसने। टन 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 नहीं है ये, अरे है, इनकी जगह चेंज हो गई इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। है गोलेट है गाइस हमारे पास, नाइस। चलो उसी को यूज करेंगे। चलो अच्छा हुआ गोलेट नहीं गया हमारे पास से। हमें बदला लेना है, हैवी स्लैम अटैक है हमारा अटैक। अच्छा कुछ भी नहीं हुआ इसको, शैडो बॉल अटैक। अरे ये तो फिर से डिग यूज कर रहा है क्या? ओह नो हमारा अटैक फेल हो जाएगा। वो जमीन में चला गया अभी, वो नीचे से आके मारेगा। हम यूज करते हैं शैडो बॉल, फिर से शैडो बॉल यूज करते हैं। अरे क्या डैमेज किया है, वाओ ये पोकेमोन पकड़ना है मुझे अभी तो, को मैं पकड़ के रहूंगा। गो पोकेबॉल, ये पोकेमोन मुझे चाहिए। वाओ ब्रॉक फ्री, ये क्या किया? अरे तूफान ला दिया। वाओ ये पोकेमोन मैं पकड़ के रहूंगा। ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। ये गुस्से लाखों से देख रहा है। वाओ पैरालाइज कर दिया ऐसे पैसे आंखों से देख के। गो पोकेबॉल, इस बार तो पकड़ के रहो। अरे लगता है ग्रेट बॉल ही फेंकना पड़ेगा इसके ऊपर। लो ग्रेट बॉल ट्राई करते इस बार। ग्रेट बॉल गो। अरे ग्रेट बॉल भी तोड़ दिया इसने तो। ये पोकेमोन पकड़ना इजी नहीं रहेगा। रुको मैं नॉर्मल वाले पोकेबॉल पहले सारे यूज कर लेते हैं। नौ बच्चे अभी भी। नाइस पकड़ लिया, बहुत ही बढ़िया। नेकू गैंग पावरफुल निकला है तो, पर हमारा ये मोर पैक को जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है मुझे। मोर पैक को तो अच्छा नहीं लगा मुझे। ये ग्राउंड टाइप पोकेमोन, इसको हम मोर पैक को की जगह पे रख सकते हैं वैसे, पर मोर पैक को हमने अभी भी तो ऐड किया था। काम करते हैं स्नाइप्स की जगह पे इसको ले लेते हैं और मोर पैक को एक और चांस देते हैं, देखते हैं कैसा है वो। गेम सेव कर लेते हैं क्योंकि जब भी नया पोकेमोन पकड़ूं गेम सेव कर लूं ताकि कुछ भी प्रोग्रेस लॉस्ट ना हो जाए फिर से क्रैश हो गया तो। आगे बढ़ेंगे, आगे फिर नए पोकेमोन देखेंगे और कौन कौन से पोकेमोन मिलेंगे हमें पता नहीं। अगर मस्त वाला मिला कोई तो उसको भी पकड़ेंगे। अब मैं ऐसा करूँगा, हर बार कोई नया रीजन जाऊँगा वहाँ पर, वहाँ के जो पोकेमोन है वो पकड़ूँगा। स्मार्ट स्ट्राइक, स्मार्ट स्ट्राइक मिलाया हमें। अरे सब ये कौन सा पोकेमोन है? ड्रैपिनो, ड्रैपियन, ड्रैपियन है ये, ड्रैपियन 38 लेवल। ये दुलाई कर देते हैं। परप्लेज नॉइस टॉक्सिक, टॉक्सिक अटैक किया इसने तो। और नो पॉइजन ना लग जाए। अरे मुझे लगा ही था पॉइजन लग जाएगा। बेचारे को पॉइजन लगा दिया सिंड्रेस को। रुको तू लाइक करता हूँ मैं अभी। स्विफ्ट अटैक परफेक्ट, अभी हम पोकेबॉल फेंकेंगे। अरे स्केरी फेस, हमारे पोकेमोन को डराते हो। चलो पोकेबॉल फेंकते इसके पर, इसको भी पकड़ते।
पॉइजन गो पोकेबॉल। नाइस इजी, ये तो फर्स्ट बॉल में पकड़ लिया। नाइस, इसको किसकी जगह पे ऐड करेंगे? पॉइजन टाइप है, अच्छा पोकेमोन है ये पसंद आया। पॉइजन सामने वाले को पॉइजन लगा देगा तो वो हर टर्न में अपने आप डैमेज लेते रहो। डार्क टाइप, हमारे पास ऑलमोस्ट अभी तो 2-3 डार्क टाइप पोकेमोन हो चुके हैं। पिकाचू की जगह पे लग रखते हैं इसको अभी। चलो हमारे पास 3-3 डार्क और मतलब दोनों मिक्स टाइप पोकेमोन हो चुके हैं, डार्क एंड अलग अलग। हमारे पोकेमोन लेकिन बहुत ज्यादा धुलाई खा चुके हैं, हमें हील करवाना पड़ेगा उनको।